किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किरत ऑर्गेनिक में। मैं आपका दोस्त अंकु चौधरी। किसान भाइयों, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो जानना चाहते हैं कि पपीते की खेती किस महीने तक कर सकते हैं, मतलब किस महीने तक आप पपीते के पौधे का प्लांटेशन कर सकते हैं। उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और मेरा वीडियो बनाने का केवल एकमात्र औचित्य है, मकसद है, ताकि जो भी हमारे किसान भाई पपीते की खेती करना चाहते हैं उनको पपीते की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी हो, मतलब सब कुछ, कब लगाना है कब नहीं लगाना। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो पपीते से रिलेटेड डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप नुकसान से बच सके। जो एक्सपीरियंस हमने किया है वो आप न करें, आपको कोई भी नुकसान ना हो, आप सही टाइम पे दवाई खाद सब कर सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं कि आप पपीते का पौधा कब लगा सकते हैं। देखिए, पपीते का जो पौधा है वो लगाने के दो प्रकार है। एक तो यह है कि आप नर्सरी से पौधा लाके अपने खेत में प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए आप, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में जाके उसको चेक कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप खुद से ही बीज अपने घर पे पौधा तैयार करें और खुद फिर उसका प्लांटेशन करें। उसके लिए अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि बीज से पौधे को तैयार करने का क्या प्रोसेस है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज की जो वीडियो है वो है, अगर आप पौधरोपण नर्सरी से पौधा ला के कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कब कब आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पौधरोपण मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है फरवरी। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूँ, उत्तर भारत में हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट आते हैं इसमें क्या होता है, इसमें आप इसमें ठंड, मतलब सर्दियाँ भी होती है, गर्मियाँ भी होती है और बरसात भी होती है। महाराष्ट्र जो मतलब भारत का जो साउथ एरिया है, जो दक्षिण भारत है, उसमें पूरे साल लगभग सेम सा टेम्परेचर रहता है, मतलब 20 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है। तो आप किसी भी सीजन में पपाया लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे आपको किन, मतलब उत्तर भारत में अगर आप पपीता लगाने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है, अगर आप पौधरोपण कर रहे हैं तो आप पौधरोपण के लिए, आपके लिए सबसे बेस्ट है फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना और 15 अप्रैल से पहले, 15 अप्रैल तक आप पौधरोपण कर सकते हैं। खेत की तैयारी आपको कैसे करनी है, मैंने आई बटन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और आपको पौधरोपण से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है आप वो भी चेक कर सकते हैं, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको पपीता की खेती की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं 15 अप्रैल तक ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसान भाइयों, आपको भी पता है कि जुलाई और अगस्त सितंबर में हमारे यहाँ पर मानसून आ जाते हैं। तो उससे क्या होगा, जब अगर आप अप्रैल या मई में पौधा लगा रहे हैं, आपका पौधा चल जाएगा खेत में, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मानसून बहुत जल्दी आ जाएंगे, उसे अच्छे से ग्रोथ होने का टाइम नहीं मिलेगा, एक डेढ़ दो महीना उसके पास होगा। उसमें क्या होगा कि छोटे पौधे में जड़ गलन की समस्या थोड़ा जल्दी आती है, मतलब जो बड़ा पौधा होता है वो फिर भी थोड़ा संवेदनशील होता है, थोड़ा उसमें उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, लेकिन छोटा पौधा इतना ज़्यादा सहन नहीं कर पाता ज़्यादा पानी की मात्रा को। इसी वजह से मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा जोर इसी बात पर डालता हूँ कि आप पौधरोपण जो है वो आप फरवरी या मार्च में करें, आप मई तक कर सकते हैं, लेकिन रीज़न है मानसून, मानसून जल्दी आ जाएगा, गर्मी भी बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपके पौधे मर सकते हैं। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप पौधरोपण मई में करेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपसे मई का महीना छूट गया है और आपको पौधरोपण करना है तो फिर आप कब करेंगे, एक साल, या तो आप एक साल इंतज़ार करें, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि आप सितंबर, जो सितंबर का महीना आएगा आगे, आप उसमें पौधरोपण कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मतलब आप अगस्त में बरसात होती है कभी कभी, तो आप सितंबर का महीना चयन करें अपने पौधरोपण के लिए। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये तीन महीने आपके पास है जिसमें आपका पौधा अच्छी खासी ग्रोथ कर सकता है। और उसके बाद फिर दिसंबर और जनवरी में पाला पड़ता है, तो उसमें आपको पौधे के कुछ कुछ, मतलब पाले से बचाने के लिए आपको अपने पौधे को कवर करना पड़ेगा, या तो आप किसी बोरी से कवर कर सकते हैं,
या आप किसी जैसे पुराल का कुछ लोग बना देते हैं झोपड़ी टाइप, उससे भी कवर कर सकते हैं, किसी पन्नी से कवर कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपके यहाँ पे पाले का असर कम रहता है तो उसमें फिर आप अपने खेत में धुआं करके पाले का असर कम कर सकते हैं, खेत में सिंचाई करके पाले का असर कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सितंबर में भी पपीते का पौधा अपने खेत में रोप सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं उसकी। अब बात करते हैं किसान भाइयों के, आपको जो आप सितंबर में कर रहे हैं उसमें आपको पाले से बचाना पड़ेगा, और अगर आप अप्रैल और मई में कर रहे हैं तो उसमें आपको अपने पौधे को बरसात से बचाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सबसे बेस्ट जो महीना बताया पौधरोपण का वो बताया फरवरी। अगर आप 15 फरवरी तक कर रहे हैं तो बरसात आने में आपको टाइम लगता है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, लगभग आपके पौधे के पास 4 से 5 महीने रहते हैं। उस टाइम पर आपका पौधा पूरे अच्छे से ग्रोथ कर लेता है और उसमें फिर जड़ गलन की समस्या भी कम आती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, भले ही आपको थोड़ा महंगा मिले लेकिन आप जो बीज या पौधा जो खरीद रहे हैं वो किसी अच्छी नर्सरी ब्रांडेड कंपनी का ही खरीदें, जिससे आपका उत्पादन भी अच्छा और आपकी लागत भी कम आए। किसान भाइयों, जो पपीता की वैरायटी है आप किसी भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं, एक बार अपने लोकल एरिया में आप चेक कर सकते हैं कि किस वैरायटी की डिमांड ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, ज़्यादातर जो वैरायटी लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं ताइवान 786 या रेड लेडी 786 भी बोला जाता है, वो हम ताइवान 786 बोलते हैं। वो इसलिए सबसे मेन है क्योंकि उसका जो फ्रूट का जो फल का उसका छिलका होता है वो उसके वो मोटी तह का होता है, तो मतलब अगर आप ट्रांसपोर्ट में भेज रहे हैं तो जल्दी से ख़राब नहीं होता क्योंकि उसकी जो छिलके की मोटाई है वो ज़्यादा होती है। वैसे बहुत सारी वैरायटी आती है पूसा की, आती है जैसे पूसा डिलीशस है, पूसा जाइंट है, और भी बहुत सारी वैरायटी हैं, कुछ आरका की वैरायटी हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में ज़्यादा डिमांड किस वैरायटी के, उसी हिसाब से आप उस पौधे उस वैरायटी का चयन करें जो वैरायटी आपको अपने खेत में लगानी है। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी वैरायटी लगा ली जिसकी आपके एरिया में डिमांड नहीं है तो फिर उस वैरायटी को आपको बेचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो भी किसान भाई पपीता की खेती करने के बारे में सोच रहा है उसको ये जानकारी प्राप्त हो सके और हमारा एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आ सके। अगर आपका कोई सवाल है पपीता से खेती के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।